आईआईटी रुड़की में भूकंप इंजीनियरिंग पर 17वीं संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें 14 देशों के भूवैज्ञानिक, भूकंपवादी और कई वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य सचिव एसएस संधु ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने आईआईटी के भूकंप विभाग का बारीकी से निरीक्षण किया। आईआईटी रुड़की के मैक ऑडिटोरियम में आयोजित संगोरुठी में उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधु ने कहा कि भूकंप इंजीनियरिंग पर संगोष्ठी जैसे कार्यक्रम भूकंप के खतरों के बारे में ज्ञान का प्रचार और जागरूकता फैलाने में मदद करते हैं। हाल ही के दिनों में कई भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ऐसे में भूकंप को लेकर उनके मन में भी कई तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि भूकंप को तो आने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन इसके खतरे और इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भूकंप को लेकर सभी को जागरूक होने की जरूरत है। इसके साथ ही प्रोफेसर के पंत ने कहा कि भूकंप प्राकृतिक आपदाएं है जो कमजोर इमारतों, लोगों और अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। रुड़की से राहुल सैनी की रिपोर्ट। मैं जैसे बताया, डॉक्टर संधू जी ने भी बताया कि 14 देशों के प्रतिभागी आए हुए हैं। टोटल अगर इंडिया और अब्रॉड की बात करें तो 300 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, और जो सभी अपने अपने पेपर्स को प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद कुछ डिस्कशंस हैं, कुछ कीनोट्स स्पीकर्स भी इन्वाइटेड हैं। तो ये सारे ही जो हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, भूकंप जो आता है तो उसको कैसे आप बचाव करें। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जैसे है, और हमारे आईआईटी दिल्ली की जो टीम है, तो ये भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं। तो मैं रुड़की में आज 17th सिंपोजियम ऑन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग था, जिसमें 14 देशों के लोग आए हुए हैं, और अर्थक्वेक से कैसे निपटना है, कैसे उसे बचाव करना है, अगर आ जाता है तो क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। उसका जो इनॉग्रेशन सेशन था तो उसके लिए मैं आया था। बस आज उसके बाद अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में, जो कि ये देश में एक ही अकेला ही आईआईटी है,